हे गाइस, कैसे हो आप लोग। और आज हम करने वाले भाई यहाँ पर पोको X6 5G का यहाँ पर कैमरा टेस्ट। तो कंप्लीट वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि इसका कैमरा आपको किस तरीके से वर्क करता हुआ दिखेगा और क्या कुछ इसमें दोस्तों कमियाँ है कैमरे में और कितना ये कैपेबल है कैमरा, इस पूरी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो अंत तक बने रहिए और अगर आपको कुछ और जानना है तो भाई कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हो। तो इसका जो कैमरा है भाई ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा ख़राब है, जैसे कि फ्लिपकार्ट पे रिव्यू आया है 3.3 के आसपास है, लेकिन भाई इस वीडियो को देखने के बाद आपको कंप्लीट पता चल जाएगा कि भाई इसके कैमरे में कितना दम है। तो ये फ़ोन आपको 20,000 के आसपास देखने को मिला अभी फ्लिपकार्ट पे। वैसे 22,000 रुपये का फ़ोन है, लेकिन ऑफर के बाद आपको ये 20,000 का यहाँ पर देखने को मिल जाता है। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। और भाई मैं अपने अभी गांव में आया हूँ तो पूरा आपको एक बेस्ट व्यू देने की कोशिश। इसमें दोस्तों आपको देखने को मिलता है भाई 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा, जिसमें आपको OIS देखने को मिल जाता है, उसको भी अच्छे से टेस्ट करेंगे। 8 मेगापिक्सल का भाई अल्ट्रा वाइड कैमरा है और 2 मेगापिक्सल का यहाँ पर आपको एक डेप्थ सेंसर दिया गया है। फुल HD 60 फ्रेम पर सेकेंड पर अभी वीडियो रिकॉर्ड हो रही है ये। और भाई यहाँ पर काफ़ी छोटा सब्जेक्ट है तो हम चेक करेंगे भाई इसमें कि क्या ये इसे फोकस में ला पाता है नहीं। भाई फोकस करने की पूरी कोशिश कर रहा है ये वीडियो में, देख सकते हो आप भाई काफ़ी अच्छे से फोकस हो रहा है। तो गाइस यार फोकसिंग में ज़्यादा कोई इशू है नहीं इस फ़ोन को। तो ऑलमोस्ट आप देख सकते हो जैसे ही आप यहाँ पर टैप करोगे उसके बाद आप यहाँ पर एक्सपोजर सेट कर सकते हो भाई। तो कैमरा भाई काफ़ी अच्छे से वर्क कर रहा है मेरे ख्याल से। भाई जिन लोगों ने फ्लिपकार्ट पे इसको कम रेटिंग दी है उनको एक बार और यहाँ पर विचार करना चाहिए। और भाई मेरी वीडियो को देखिए, आप इसमें देख पाओगे भाई किस तरीके से मैं काफ़ी अच्छे से यहाँ पर फोकस शिफ्ट कर पा रहा हूँ और कितनी अच्छी क्वालिटी से मैं यहाँ पर वीडियोस बना पा रहा हूँ इस फ़ोन से। और जो भाई कलर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा ब्राइट आ रहे हैं। इसकी स्क्रीन भी भाई दोस्तों काफ़ी ज़्यादा ब्राइट है, इसलिए जो डे लाइट में भाई मुझे इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आ रही है कैप्चर करने में। और सन को अगर मैं बिल्कुल इसके अपोजिट कर दूँ तो भाई आप देख सकते हो भाई सन को भी काफ़ी अच्छे से एडजस्ट यहाँ पर कर रहा है। ओके, तो मेरे ख्याल से दोस्तों इसमें फुल HD 30 और 60 दोनों पर ही कोई भी दिक्कत आपको नहीं आने वाली है वीडियो रिकॉर्डिंग के टाइम में। ऑटो फोकस की बात करूँ तो भाई थोड़ा सा ये हंट कर रहा है यहाँ पर, लेकिन जैसे ही आप यहाँ पर टैप करेंगे तो आप देख सकते हो भाई नेचुरल DSLR वाला आपको रिजल्ट यहाँ पर देखने को मिल जाएगा इससे। ओके, तो आप ऐसे यहाँ पर वीडियो इससे नहीं, मेन कैमरे की यहाँ पर इसकी वीडियो। अब इसमें भाई 2x की ऑप्शन हमें देखने को मिलती है, तो मैं पहले 2x पे आपको दिखा देता हूँ किस तरीके की क्वालिटी हमें देखने को मिलेगी। तो भाई 2x पे मेरे ख्याल से भाई काफ़ी अच्छी क्वालिटी हमें देखने को मिल जाती है, लेकिन जो भाई इसमें अगर आप टैप करोगे तो काफ़ी ज़्यादा येलो हो रहा है। आई थिंक इसमें जो एडजस्टमेंट है वो अच्छे से नहीं कर पा रहा है कलर्स की, तो बस यही थोड़ी बहुत दिक्कत है। जैसे मेरा हाथ है भाई गाइस, तो ऐसा नहीं है, वैसे कलर्स काफ़ी ज़्यादा इसमें सही है, लेकिन जैसे मैं मूव कर रहा हूँ लाइट के साथ साथ भाई ये कलर्स भी मेरे हाथों का यहाँ पर चेंज कर रहा है, तो थोड़ी बहुत दोस्तों ये दिक्कत आपको देखने को मिलेगी। ये देखिए आप बिल्कुल यहाँ पर येलो हो चुका है, तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम है, अदरवाइज़ इसमें भाई ऐसी कोई खास प्रॉब्लम मुझे देखने को नहीं मिली है। भाई पूरा कैमरा काफ़ी अच्छा है यहाँ पर। अब मैं एक बार भाई आपको यहाँ पर वॉक करके दिखाता हूँ इस कैमरे के साथ, तो आपको भाई पता लगेगा मैं काफ़ी ज़्यादा तेज़ भाग रहा हूँ। तो भाई कैसी यहाँ पर वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है आप यहाँ पर देख सकते हो, वीडियो भाई रिकॉर्ड हो रही है इसके बैक कैमरे से। तो इसकी भाई स्टेबलाइजेशन आप मुझे बता सकते हो कैसी आपको दिख रही है इस टाइम। और भाई अभी सन बिल्कुल मेरे पीछे है, अब मैं भाई सन बिल्कुल मेरे आगे है तो क्वालिटी भी बढ़ चुकी होगी। और इसके बैक कैमरे से आप कुछ इस तरीके की क्वालिटी निकाल सकते हो अपने व्लॉगिंग के लिए, अगर आपको व्लॉगिंग करनी है। और अभी इसके ही माइक से अभी भाई वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, तो ऐसा नहीं है कि मैंने कोई एक्सटर्नल माइक का यहाँ पर यूज़ किया है। तो अब मैं आ चुका हूँ भाई थोड़े शेडो वाले एरिया में, तो अभी आप देख सकते हो कैसी यहाँ पर क्वालिटी। और बिल्कुल अब मेरे सन आ चुका है बिल्कुल फेस के सामने, तो कुछ इस तरीके की भाई आप व्लॉगिंग कर सकते हो इसके कैमरे से। और ये भाई अभी बैक कैमरा है, मेन कैमरा है, तो किस तरीके की क्वालिटी है भाई कमेंट सेक्शन में बताइए। फ्रंट कैमरे की बात करें गाइस, तो इसमें R1 80p 60 फ्रेम तक आपको ऑप्शन देखने को मिल जाती है। 4K की ऑप्शन आपको भाई फ्रंट में तो देखने को नहीं मिलती है, यहाँ पर आप देख सकते हो 720 है, 720 के बाद सीधी है यहाँ पर 180। और फ्रेम रेट की अगर मैं बात करूँ तो भाई 60 और 30 आप दो फ्रेम रेट पे यहाँ पर ना सकते हो। कहीं पर भी मुझे भाई इसमें स्टेबलाइजेशन के ऑप्शन देखने को नहीं मिली है, तो अगर दोस्तों आपको भाई देख लीजिए कहीं स्टेबलाइजेशन के ऑप्शन तो मुझे आप बता सकते हो, अदरवाइज इसमें भाई मुझे तो यहाँ पर कहीं भी इसमें स्टेबलाइजेशन के ऑप्शन नहीं दिखे। और मेरे ख्याल से इसमें फ्रंट में स्टेबलाइजेशन है भी नहीं है। तो बात करें फोटो मोड की, तो फोटो मोड में आपको भाई काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर सेटिंग्स देखने को मिल जाती है, आप देख सकते हो स्मूथ है और बिग आइज है वगैरह वगैरह। भाई मैं इसको यूज़ नहीं करता हूँ, खाली मैं HDR का यहाँ पर शौक रखता हूँ, HDR ऑन ऑफ यहाँ पर आप ऊपर से कर सकते हो। तो फ्रंट में दोस्तों आपको पोर्ट्रेट वीडियो तो ऑप्शन देखने को मिल जाती है, यहाँ पर दोस्तों भाई आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर आप ब्लर स्ट्रेंथ कम ज़्यादा कर सकते हो अपने फ़ोटो की। तो भाई एक दो मैं आपको यहाँ पर करके बता देता हूँ। आप
आपको मैं दिखाने वाला हूँ कि अगर इससे आप व्लॉगिंग करना चाहते हो तो आप भाई इससे व्लॉगिंग कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, कैसी इसकी ऑडियो रहने वाली है और भाई कैसी ये यहाँ पर वीडियो आउटपुट ये आपको दिखाने वाला है। भाई मैंने इसको लगाया अभी ट्राईपॉड स्टैंड पे, अब मैंने भाई इसको दूर कर लिया, तो अब भाई आप देखिए कैसी इसकी वीडियो क्वालिटी आ रही है जब मैं चल रहा हूँ और कैसी ये यहाँ पर वीडियो शूट कर रहा। अब ये भाई फ्रंट कैमरे की क्वालिटी है, ये बैक कैमरे की नहीं है, तो आई थिंक यार ठीक है। और अंडर 20,000 भाई आपको इतनी अच्छी क्वालिटी वाला फ़ोन मिल रहा है तो मेरे ख्याल से तो भाई ठीक है यार। बाकी आप लोग देख सकते हो, ये मैं बात कर रहा हूँ अभी फ्रंट कैमरे की। अब मैं सन के अपोजिट यहाँ पर मुड़ जाता हूँ तो फिर भी भाई काफ़ी अच्छी क्वालिटी है, ऐसा नहीं है। डे लाइट कंडीशन में भाई काफ़ी अच्छा ये कैमरा वर्क कर रहा है और ऑडियो का तो भाई आपको अंदाज़ा लग चुका होगा इस टाइम। दोस्तों अब मैंने इससे यहाँ पर कुछ भाई फ़ोटोज़ क्लिक की है तो मैं आपको अब फोटोज़ दिखाता हूँ कि मैंने इसके बैक कैमरे से और अल्ट्रा वाइड से जो फोटोज़ क्लिक किए वो कैसी यहाँ पर निकल कर आई। दोस्तों ये है यहाँ पर पहली इमेज जो मैंने 1x से ली है भाई। इसमें डेडिकेटेड 64 मेगापिक्सल का भी ऑप्शन मिलता है लेकिन मैंने अभी उसे यूज़ नहीं कर रखा है। इसमें आप 2x में भी फ़ोटो ले सकते हो भाई, अलग से ऑप्शन दी गई है, क्रॉप करके ये इमेज यहाँ पर निकालेगा, लेकिन जो 2x की ऑप्शन है भाई काफ़ी बेहतरीन है, काफ़ी अच्छे से ये काम करता है। इसके साथ साथ इसमें आप 4x की भी ऑप्शन दी गई है जिससे आप फोटोज़ निकाल सकते हो। 4x तक भाई क्वालिटी आपको यहाँ पर ओके ओके मिलेगी, लेकिन जैसे ही आप 10x जाओगे जो कि यहाँ पर मैक्सिमम जूम है उस टाइम भाई जो पिक्चर क्वालिटी है उतनी अच्छी देखने को नहीं मिलती है, लेकिन हाँ भाई आपको ऑप्शन दी गई है 10x की। इसमें भाई इसमें आप लोगों को डेडिकेटेड 64 मेगापिक्सल की ऑप्शन देखने को मिलती है। अब मैं भाई इसकी आपको क्वालिटी चेक करवा देता हूँ एक बार, तो हम टैप करेंगे और सीधे यहाँ से एक फ़ोटो ले लेंगे और जो भाई फ़ोटो आई है थोड़ा प्रोसेसिंग में टाइम लेगी, तो अब भाई प्रोसेस हो चुकी है। अब भाई हम इसको यहाँ पर जूम करके देखते हैं तो भाई जी क्वालिटी है भाई आप लोग देख सकते हो काफ़ी सही है। इससे बेहतर भाई 10x में फ़ोटो लेने से बेहतर है कि आप इसमें फ़ोटो ले 64 मेगापिक्सल में और फिर उसको आप जितना चाहे उतना यहाँ पर जूम कर सकते हो। तो ये भाई आप लोगों के लिए एक टिप्स थी अगर आपने जूम करनी है। भाई अगर इसकी हम बात करें डिटेल्स की तो आप देख सकते हो भाई यहाँ पर 38 MB के आसपास आपको ये फोटो यहाँ पर देखने को मिलने वाली है। दोस्तों इसमें आप भाई मैक्रो वीडियोज़ भी यहाँ पर बना सकते हो, अगर आप कैमरा को क्लोज ले जाओगे तो भाई आप यहाँ पर डेफिनेटली जो है मैक्रो वीडियोज़ बना सकते हो। इसमें आपको एक ऑप्शन देखने को दी गई है जिसके थ्रू आप ये वीडियोज़ यहाँ पर निकाल सकते हो। तो गाइज़ ये वीडियो आप देख रहे हो भाई अल्ट्रा वाइड में और फुल HD पे अभी ये रिकॉर्ड हो रही है, तो भाई इसकी क्वालिटी मैं कहूँगा भाई मतलब थोड़ी सी डाउनग्रेड लगेगी आपको ओरिजिनल कैमरे से और यहाँ तक कि फ्रंट कैमरे से भी आपको काफ़ी ज़्यादा डाउनग्रेड लगी। हाँ भाई अल्ट्रा वाइड में कहूँगा कि उतना ज़्यादा सॉलिड नहीं है जितना कि इसका मेन कैमरा है और फ्रंट कैमरा है। आप देख सकते हो थोड़ा सा अभी एक्सपोज़र सेट करने में भी थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, जो कलर्स है काफ़ी ज़्यादा वॉश्ड आउट आ रहे हैं इस टाइम। और अगर मैं आपको अभी फ्रंट कैमरे की वीडियो दिखा दूँ और या 1x की वीडियो दिखा दूँ तो आप लोगों को वहाँ पर अंदाज़ा हो जाएगा कि किस तरीके की क्वालिटी इससे निकल कर आती है। तो जैसे जैसे दोस्तों धूप बढ़ी अभी आप देख सकते हो जो कैमरे की क्वालिटी है वो भी यहाँ पर इंक्रीज़ हुई है, लेकिन भाई उतनी ज़्यादा नहीं जितनी कि हमें भाई मिलती है देखने के लिए फ्रंट कैमरे से। भाई इसमें भी आप जूम कर सकते हो, ये ऑप्शन मैंने पहली बार देखी है, 2x तक भाई आप इस कैमरे से जूम कर सकते हो, नाइस। लेकिन भाई जो क्वालिटी है वो उतनी ज़्यादा खास आपको नहीं देखने को मिलने वाली है अगर आप इसमें जूम करते हो। तो दोस्तों ये है कुछ यहाँ पर अल्ट्रा वाइड कैमरे से लिए गए शॉट। अगर लाइटिंग कंडीशन अच्छी हो भाई तो यहाँ पर काफ़ी कलरफुल इमेजेस आपको देखने को मिल जाएगी, लेकिन जैसे ही थोड़ी लॉन्ग डायनेमिक रेंज की बात आती है तो भाई अल्ट्रा वाइड कैमरा थोड़ा बहुत यहाँ पर स्ट्रगल करने लग जाता है जैसा कि आप इस फोटो में देख सकते हो, लेकिन अकॉर्डिंग टू प्राइस भाई मैं कहूँगा ठीक है। भाई दोस्तों अगर मैं बात करूँ यहाँ पर लोकेशन की तो भाई लोकेशन तो आप देख ही सकते हो, भाई मैंने काफ़ी बेस्ट लोकेशन यहाँ पर चूज़ की है उसके कैमरा टेस्ट करने के लिए। तो भाई अगर आपको लोकेशन सही लग रही है तो भाई कमेंट सेक्शन में लिखिए आप, बाकी भाई आगे देखिए अभी वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। दोस्तों अगर मैं बात करूं यहाँ पर यार पोर्ट्रेट मोड की तो सब्जेक्ट पे भाई फोकस काफ़ी अच्छे से कर लेता है, बैकग्राउंड में आप देख सकते हो भाई ब्लर भी हमें काफ़ी अच्छा यहाँ पर देखने को मिल जाता है। लेकिन अगर बात करें हम ह्यूमन सब्जेक्ट की तो भाई स्किन थोड़ी सी आपको ओवर सैचुरेटेड लग सकती है इसमें और ओवर थोड़ी ब्यूटिफिकेशन भी करता है, लेकिन अगर हम बात करें डेप्थ इफेक्ट की तो हमें यहाँ पर काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है जब हम यहाँ बात करते हैं ह्यूमन सब्जेक्ट के बारे में। भाई ये यहाँ पर कुछ और टफ़ कंडीशन में फ़ोटो ली है मैंने, ये काफ़ी छोटा सब्जेक्ट है लेकिन काफ़ी अच्छे से भाई ये यहाँ पर फोकस कर लेता है तो काफ़ी अच्छी यहाँ पर इमेज इसने निकाली है। बात करें सन के अपोजिट में कैसी फ़ोटो लेता है तो भाई आप देख सकते हो डायनेमिक रेंज मुझे यहाँ पर सही लगी है और थोड़ा बहुत दोस्तों कॉन्ट्रास्ट अच्छा हो सकता था लेकिन ठीक है भाई इतना चलेगा। तो ये है गाइज यहाँ पर स्टेडी वीडियो मोड इसका, तो भाई अभी मैं थोड़ा फास्ट चलूँगा तो आपको भाई अंदाज़ा लग जाएगा किस तरीके की क्वालिटी हमें देखने को मिलती है स्टेडी वीडियो मोड में, लेकिन भाई इसमें 60 फ्रेम पर आप वीडियो शूट नहीं कर सकते, ये आपको ध्यान रखना है। तो भाई दोस्तों जैसे ही मैंने यहाँ पर भागना स्टार्ट किया आप देख सकते हो भाई फ्रेम में काफ़ी ज़्यादा झटके आपको महसूस हो गए, काफ़ी जिटरिंग सी वीडियो बन रही है। तो स्टेडी वीडियो मोड में भाई अगर आप भागते वीडियो बनाना चाहते हो और आपको लगेगा कि स्टेबल आएगी तो वैसा कुछ भी देखने को नहीं मिलता है।
तो भाई हमने पूरा डे लाइट में यहाँ पर इसका सारे कैमरास देख लिए कैसा परफॉर्म करते हैं। लेकिन अब भाई बात करेंगे लो लाइट की, तो लो लाइट कंडीशन कुछ अभी इस तरीके से है। ऊपर एक हमारे भाई स्ट्रीट लाइट यहाँ पर है और बाकी पूरा अंधेरा है। तो भाई देखेंगे कि भाई इतनी टफ कंडीशन में ये कैमरा यहाँ पर कैसे वर्क करता है। वैसे आप देख सकते हो भाई फ्लेयर तो देखने को मिल रही है हमें। और भाई चलिए सबसे पहले आपको मैं वीडियोज़ दिखा देता हूँ लो लाइट कंडीशन की। तो भाई ये है फ्रंट कैमरे से लो लाइट कंडीशन में यहाँ पर पोको X6 5G का फ्रंट कैमरा, फुल HD 60 फ्रेम पर अभी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो भाई यहाँ सामने स्ट्रीट लाइट है, तो इसकी तरफ मैं जब मुड़ूंगा भाई जी आप देख सकते हो कैसी क्वालिटी हमें देखने को मिलती है। ऑडियो भाई इसके कैमरे से अभी रिकॉर्ड हो रही है यहाँ पर। जैसे मैं दोस्तों यहाँ से थोड़ा सा आगे जाऊँगा तो आप लोगों को भाई अंदाज़ा लग जाएगा कि भाई नॉइज़ है जो काफ़ी ज़्यादा फ़ोन कैप्चर कर रहा है। लो लाइट आप देख सकते हो अभी कितनी है यहाँ पर, तो इतनी ज़्यादा भी कम लाइट नहीं है। और मेरे ख्याल से भाई 20,000 रुपये के हिसाब से थोड़ा सा अच्छा यहाँ पर कैमरा होना चाहिए था। अदरवाइज़ फ्रंट कैमरा मतलब ठीक ही बोल सकते हो आप, थोड़ा सा भाई यहाँ पर इम्प्रूवमेंट इसमें होनी चाहिए थी मेरे हिसाब से। ये भाई फुल HD 60 फ्रेम पर सेकेंड वाली वीडियो क्वालिटी। अभी मैं यहाँ पर भाग रहा हूँ तो यहाँ पर स्टेबलाइजेशन का भी अंदाज़ा आपको लग रहा होगा। तो भाई यहाँ पर थोड़ा लो लाइट में फ़ोन जो है उतना ज़्यादा स्ट्रगल नहीं कर रहा जितना कि फ्रंट कैमरा कर रहा था। और अगर मैं क्वालिटी की बात करूँ यहाँ पे क्वालिटी काफ़ी सही है भाई, मतलब अंडर 20,000 आपको नाइट में इतना ही कैमरा देखने को मिलेगा। तो आप लोग देख सकते हो भाई स्ट्रीट लाइट्स यहाँ पर जल चुकी है। तो अभी आप डिटेल्स देखिए यार, डिटेल्स देखिए कैसी आ रही है कैमरे में। लाइट में जाती भाई काफ़ी अच्छी कैप्चर कर रहा है ये। जैसे मैं थोड़ा लाइट से दूर हो जाऊँगा तो नॉइज़ भाई काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है यहाँ पर। तो आप लोगों को भाई इसमें दिख ही रहा होगा कि कैसी क्वालिटी है फ़ोन कैप्चर कर रहा है। तो भाई बात करें अल्ट्रा वाइड कैमरा की यहाँ पर, तो अल्ट्रा वाइड कैमरा में भी जो क्वालिटी है भाई फ्रंट कैमरा से काफ़ी अच्छी देखने को मिल जाती है। लेकिन हाँ भाई जो मेन कैमरा 64 मेगापिक्सल सा उससे थोड़ी सी कम हमें देखने को मिलेगी। बाकी भाई जो अल्ट्रा वाइड कैमरा है इसमें आपको थोड़ा फोकस का भी इशू दिख रहा होगा नाइट में, और जैसे भाई डार्क कंडीशन में जाएंगे तो बिल्कुल ही यहाँ पर ये डार्क हो जाता है। जहाँ पर लाइट होगी भाई वहाँ पर ये दिखाएगा, लेकिन डिटेल्स नहीं है भाई, आप देख सकते हो डिटेल्स नहीं है इसके बैक कैमरे में। लो लाइट कंडीशन में भाई बिल्कुल ही मतलब ये डिटेल्स लॉस यहाँ पर कर लेता है, काफ़ी ज़्यादा नॉइस भी कैप्चर करेगा। लेकिन दोस्तों थोड़ा प्राइस का भी इशू है यहाँ पर, क्योंकि आपको एक प्रोसेसर अच्छा देखने को मिल जाता है अंडर 20,000, तो आई थिंक जो कैमरा है भाई उसकी वजह से ये थोड़ा डाउनग्रेडेड आपको देखने को मिलता है जो इसका अल्ट्रा वाइड कैमरा है। बाकी भाई जो 64 मेगापिक्सल का कैमरा है वो अच्छा वर्क करता है। नाइट में अगर मैं फोटोज़ की बात करूं तो भाई नॉइज़ यहां पर कैप्चर डेफिनेटली करता है इसका जो प्राइमरी कैमरा है, लेकिन इसमें आप भाई नाइट मोड का यूज़ करके काफ़ी ज़्यादा ब्राइट फोटोज़ निकाल सकते हो इसके मेन कैमरे से। अल्ट्रा वाइड कैमरे की बात करें भाई मैंने आपको बताया काफ़ी स्मूथ जैसी फ़ोटो ये लेगा नाइट में, और अगर हम इसमें भाई नाइट मोड ऑन कर दें तो भाई आपको थोड़ी लाइट ऐड करेगा लेकिन डिटेल्स वहाँ पर ऐड नहीं होती है। तो दोस्तों ये इसके फ्रंट कैमरे से नाइट में कुछ सैंपल्स जो मैंने निकाले। तो भाई जब इसमें आप नाइट मोड ऑन करोगे तो डेफिनेटली थोड़ी बहुत लाइट ही आपके फ़ोटो में ऐड कर देगा, लेकिन जो डिटेल्स है वो उतनी ही आपको देखने को मिलने वाली है, थोड़ी नॉइज़ कम हो जाती है। तो ये था भाई कुछ इसका यहाँ पर टोटल कैमरा रिव्यू जो कि मैंने आपको दिखाया कैसा इसका कैमरा वर्क करता है। बाकी आप भाई कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं कि आपको कौन सी